तर असं झालं की विथ टाइम एज आय वेंट ऑन एक एक डायलॉग जुबान पे याद होता गया, ऐसा लगा जैसे एक डिवाइन एनर्जी साथ में थी, बिकॉज मैंने ये बहुत जल्दी जान गया था कि ऐसा कोई रोल परफॉर्म करना है तो अपने आप को समर्पित करके करना पड़ेगा। जितना भी कुछ सीखा था एज एन एक्टर वो सब कुछ अनलर्न करके दोबारा फ्रॉम द स्क्रैच के कुछ नहीं आता, ये अपने आप को जब आप समझ जाते हैं कि मुझे नहीं आता, दैट इज व्हेन यू आर विलिंग टू लर्न एंड दैट इज व्हेन द नॉलेज। फिर मैं वडू गया, मैंने तुलापुर गया जहाँ पर महाराज के आखिरी अंतिम पल में महाराज के साथ जो भी हुआ था, अत्याचार हुआ था, वो सब देख कर आया। एक मेंटली इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कनेक्ट टू द कैरेक्टर टू दैट लेवल। और वो तुषार सर ने और पूरी टीम ने बहुत अच्छे तरीके से मुझे हेल्प की। और साथ ही मैं बताना चाहूँगा, जब शूटिंग हमने शुरू की तो पूरी की पूरी यूनिट से इतना प्यार मिला, पहली बार जब इस रूप में बाहर निकला तो मुझे लोगों से इतना सम्मान और प्रेम मिला, ऐसा लगा कि फाइनली महाराज उनके आ चुके हैं। और कुछ सीन्स ऐसे किए मैंने जो बहुत ही ब्यूटीफुल सीन थे, जहाँ पर मेरे पिताजी जो बने इस फिल्म में छत्रपति शिवाजी महाराज, वो एक्टर भी यहाँ हैं, सुनील जी, अमृता मैडम के साथ एक दो हमारे बहुत ही अमेजिंग सीन्स हुए हैं जो कि बहुत अपीलिंग आए हैं, जो कि मैं चाहूंगा कि ऑडियंस उसके बारे में बोलने से ज्यादा आई वुड लाइक द ऑडियंस टू गो एंड सी इन द फिल्म। Thank you. That's a lovely journey, I must say. I just have one little question. Like you mentioned na ki manasik staravarti sudha te khup mahatvacha aahe. Tar physically tar of course strength aahe, shakti aahe, pan yukti aani buddhi sudha aahe. Tar ya character la mentally samjun ghena kiti challenging hota as a person aani as an artist? Mentally samjun ghena was the main challenge, because till now I have done je kai roles me kelet, that is a very imaginative characters that we have, you know, that this is a journey of the character. It's very predetermined by the directors and the writers. But Chhatrapati Sambhaji Maharajanchan asa kirdar ahe na, je already history madhe ghadle hai. So it is factual, all the factual things. So you cannot mess around with the facts and history. So we have not messed around with the history, and we have only and only taken cinematic liberty in the action to make it larger than life. Tar, speaking about it mentally, like I said, Tulapur Rani, we went to the Kilas, Raigad Kilas, so okay, we went to all this journey. I did my homework for about 6 months, and by the time I came on the set, every character for me was jo maine book pe padha hai, jaise Maharani Yesubai ka character tha, to wo mere liye Amruta madam ke andar bahut easily chalakne laga mere liye. हाँ, बिकॉज मैजिक हैपन्स ऑन द सेट, जब आप उस चीज़ की तैयारी इतनी कर रहे हैं और फाइनली एक एम्बियंस आपको ला के दे देते हैं, तो ऑटोमेटिकली यू डोंट फील लाइक इट इज अन अनूप सिंह और अन अमृता खानविलकर परफॉर्मिंग और किशोरी मैन, सो एवरीथिंग वॉज वेरी मच इन दैट। एंड एवरी कैरेक्टर इन द फिल्म यू विल बी एबल टू सी कि वो एक्टर नहीं परफॉर्म कर रहा है, वो कैरेक्टर बन के परफॉर्म हो चुका है, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ अ हिस्टोरिक फिल्म लाइक आस। एंड संदीप दादाजी ने जो है मैक्सिमम हमने कोशिश की है कि एकदम रियल लोकेशंस और रियल किलों पर हमने शूट किया है टू गेट दैट फील। सी क्रोमा फ्लोर पे शूट करना एंड यू नो